गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है लैंड और वाटर एनिमल्स के बारे में। मैंने बताया कि लैंड पे कौन रहता है और वाटर पे कौन रहता है। अच्छा बताइए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं या वाटर पे रहते हैं? अगर कोई मैन आता है तो कहाँ रहता है? धरती पे रहते हैं और फिश पानी में रहती है। आज जानते कुछ नए एनिमल्स के बारे में जो दोनों पे रह सकते हैं, यानी कि धरती पे भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे। फ्रॉग को देखा है आपने? फ्रॉग यह पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। डक को देखा है आपने? वैसे ही शॉर्ट फ्लाइज तो देखा है, शॉर्ट फ्लाइज कहते हैं कछुआ, कछुआ को देखा है, या पानी में भी तैर सकता है और जमीन पे भी चल सकता है। तो ये हो गए कुछ ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह रह सकते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक था कि एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर एंड लैंड। इसको आप पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो दोनों में रहते हैं। आपके बुक में फिगर भी है, उसे फिगर से देख के ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अपनी कॉपी भी चेक